प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को कलेक्टर परिसर में 45 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। दोस्त की बीवी पर कमेंट करने पर दोस्तों ने किया मनोज की हत्या। ग्रामीणों ने रोड को किया जाम। अधिकारी मौके पर पहुंचकर खुलवाया जाम। जगह पुलिस ने दोनों हत्यारे दोस्तों को किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बसपा व कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कहा, विकास के मुद्दों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सपा के विभिन्न प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कहा, विकास के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे चुनाव। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सभी नामांकन स्थल का उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस एवं एसपी सिटी ने किया निरीक्षण। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विधानसभा चुनाव 2022 में सोहरतगढ़ 302 विधानसभा क्षेत्र सिद्धार्थनगर से राष्ट्रीय स्वर्णकार संगठन के संरक्षक विनय वर्मा को भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल ने बनाया उम्मीदवार। विनय वर्मा ने केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के प्रति जताया आभार। कहा, सोहरतगढ़ की सम्मानित जनता और विधानसभा क्षेत्र की सेवा करके पूरे सूबे में फैलाऊंगा क्षेत्र की सोहरत। चिलुआताल थाना क्षेत्र के जंगल बहादुर अली शेखपुरवा में अज्ञात 35 वर्षीय व्यक्ति का मिला शव। पुलिस व क्षेत्रवासी शिनाख्त करने का कर रहे हैं प्रयास। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। भाजपा से ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी विपिन सिंह ने किया नामांकन। कहा, योगी सरकार के किए विकास के मुद्दों को लेकर लड़ूंगा चुनाव। और गोरखपुर में गुरुवार को पाए गए 45 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 484। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।